अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ रेट। हमें रेट का पता है कि रेट क्या चीज़ है। ठीक है, रेट वो है एक कोई भी दो चीज़ें हैं उनका कंपेरिजन होता है, जिसके यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखें, क्वेश्चन है एक अ टाइपिस्ट, पार्ट ए है क्वेश्चन का। अ टाइपिस्ट टाइप्स 1800 वर्ड्स इन वन आवर, फाइंड the number of words that she type per minute। per minute का मतलब होता है one minute। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है एक मिनट में वो जो टाइपिस्ट है, एक लड़की है, वो कितने वर्ड्स क्या टाइप कर रही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और पार्ट भी है कि $120.99 चार्ज करें कितने यूनिट्स के लिए, 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें मालूम क्या करना है, वन यूनिट क्या कास्ट ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की कास्ट मालूम करनी है। जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें यही होगा, मास क्या है पर मीटर। अब एक रॉड है, उसका मास क्या है, 15 kg है, जो कितनी मीटर लॉन्ग है ये। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो 1800 वर्ड्स इन वन आवर गिवन है, 1800 वर्ड्स इन वन आवर टाइप कर रही है कोई भी लड़की है। तो हमें मिनट्स में चाहिए, ये देखो क्या है पर मिनट। तो क्या करेंगे हम, आवर्स को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 1800 वर्ड्स इन। अब वन आवर है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। अगर यहाँ पर दो होते तो 2 × 60 करते, तो क्या करेंगे आप, 1 × 60 ये क्या हो जाएगा, मिनट्स। ठीक है, तो 1800 वर्ड्स इन 60 मिनट्स। अब 1800 वर्ड्स 60 मिनट्स में टाइप कर रही है, हमें क्या मालूम करना है वन मिनट के लिए। तो क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू वर्ड्स पर मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 वर्ड्स पर मिनट। तो एक जो लड़की है वो क्या करेगी, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करेगी। अब हमारा दूसरा है, $120.99 इज चार्ज फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, फाइंड द कास्ट ऑफ वन यूनिट। तो अब कास्ट कितनी है, 120.99 कितने किया, ये 654 यूनिट्स। तो क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, यूनिट्स में है तो यूनिट्स वाले से पूरे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे। यहाँ पर क्या था, 60 मिनट्स का आवर को कन्वर्ट किया था, तो क्या मिनट में चाहिए था, तो क्या किया था, मिनट्स वाली चीज़ को, ये 60 है ना, इससे डिवाइड किया था। जो भी चीज़ पूछेगा उससे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब हमारा वन यूनिट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किस से, 654। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ वन यूनिट। अब 120.99 को 654 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा इसका कास्ट ऑफ वन यूनिट आ जाएगी, के कितने डॉलर्स एक उसमें है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप खुद ही कर लेना। अब दूसरा है, इफ द मास ऑफ मेटल बार व्हिच इज
3.2 मीटर लॉन्ग। अब मेटल बार है, ठीक है, हम फर्ज करते हैं ये मेटल बार है, उसकी लेंथ कितनी है 3.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसकी 3.25 मीटर है, ठीक है। और इसका वेट क्या है, इस लॉन्ग 15, इसका मास क्या है 15 kg, ये क्या है 15 kg इसका वेट है, ठीक है। मास या वेट बात सेम होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए मास पर मीटर, पर मीटर चाहिए, तो क्या करेंगे 3.2 मीटर से उसको डिवाइड करेंगे, पर का मतलब एक मीटर में, पर मीटर, मीटर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वन है, इसका मतलब पर वन मीटर, एक मीटर में उसका वजन कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 15 kg को क्या करेंगे 15 kg डिवाइड करेंगे किसके साथ 3.25 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा पर मीटर में आ जाएगा इसका, के कितने केजी, एक मीटर में। अब 3.25 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें एक मीटर का चाहिए मास पर मीटर, जिसमें पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उससे क्या कर रहे हैं हम, दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ष से किसमें टाइम में पूछ रहा था, तो टाइम से क्या किया हमने 1800 वर्ष डिवाइडेड बाय 60 पर मिनट, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था कास्ट ऑफ वन यूनिट, तो यूनिट से हमने क्या किया था 654 से क्या किया डिवाइड किया, यहाँ पर हमें मीटर्स में पूछ रहा है तो 3.25 मीटर से क्या किया डिवाइड, आगे आप सिंप्लीफाई खुद कर लेना। तो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। राशिद ड्राइव्स फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया। अब राशिद एक बंदा है जो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है कहाँ से, सिंगापुर से मलेशिया, ठीक है। हिज कार रिक्वायर्स 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब उसकी जो गाड़ी है वो 18 लीटर्स पेट्रोल के यूज़ कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 360 किलोमीटर, ठीक है। तो पार्ट वन में है, हाउ फार कैन हिज कार ट्रेवल ऑन 44 लीटर्स। अब वो पूछ रहा है 44 लीटर्स अगर हम पेट्रोल के उसी गाड़ी में डलवाएं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक लीटर, ठीक है, एक लीटर पे वो कितना गाड़ी कितना ट्रेवल कर रही है, तो क्या करेंगे हम पहले एक लीटर पे उसका ट्रेवल या डिस्टेंस मालूम करेंगे, वो कैसे मालूम करेंगे 18 के साथ इससे क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे, क्या डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वन लीटर वो किसके बराबर होगा 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो क्या करेंगे, वन टेबल लगाएंगे टू टेंस, तो एक लीटर पे वो गाड़ी कितना 20 किलोमीटर रन कर रही है, तो एक लीटर पे 20, तो अब हमारे पास क्या है, हाउ फार कैन हिज कार ट्रेवल ऑन 44 लीटर्स, तो क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल ऑन 44 लीटर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 44 के साथ, 20 मल्टीप्लाई बाय 44, तो कितना 880 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 44 लीटर्स यूज करेंगी करेगी तो गाड़ी, ठीक है।
तो हमारा अब पार्ट टू है, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 1.87 पर लीटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अगर गाड़ी है एक लीटर, ओ सॉरी हाँ एक लीटर पेट्रोल का कास्ट कह रही है कितने में, उसकी एक लीटर पेट्रोल की प्राइस क्या है, 1.87 डॉलर है। तो पर लीटर हाउ मच डज ही हैव टू पे फॉर द पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 700। अब वो पूछ रहा है अगर कोई बंदा गाड़ी पर 720 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितने रुपए का पेट्रोल भरवाना चाहिए, कितने डॉलर्स में उसे पेट्रोल चाहिए लेना चाहिए, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे ना। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें इसके लीटर्स चाहिए ना, 720 पे कितने लीटर्स पे ये ट्रेवल कर रही है। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है यहाँ से, ठीक है, 1 लीटर पे क्या कर रहे 20 किलोमीटर्स, तो हमें लीटर्स मालूम करने हैं ना कितने पे करेगी। तो क्या करेंगे, क्योंकि अमाउंट हम पेट्रोल का डलवा रहे हैं ना, पेट्रोल में अमाउंट है, तो क्या करेंगे पहले हम कितना पेट्रोल डलवाएंगे तो ये ट्रेवल करेगी। तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, एक लीटर पे कितना ट्रेवल कर रही थी गाड़ी, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमें चाहिए 720 पे कितने लीटर डलवाने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ, डिस्टेंस किलोमीटर है, तो हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना, कितने लीटर्स पेट्रोल चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे अमाउंट का मालूम होगा, जब हमें पता चलेगा कि कितना पेट्रोल हमारा यूज होगा। तो इसीलिए 20 से डिवाइड किया ऐसे, तो हमारा आ गया 36 लीटर, ठीक है। तो अब हम प्राइस मालूम करेंगे 36 लीटर्स की, क्योंकि हमारा 36 लीटर्स यूज हो रहा है 720 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो ही हैज टू पे रिकॉर्ड 36 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.87, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.87 डॉलर्स, क्योंकि एक लीटर की प्राइस हमें मालूम है कितने डॉलर्स है, 1.87 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट का पता चल जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।